जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको इसी पर आ जाना है। पेज का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए जैसे कि आप देखोगे कि लॉगिन टाइप के सेक्शन के अंदर ऑपरेटर और बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि अगर आप आयुष्मान कार्ड होल्डर हो तो बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को जैसा है सेम वैसे एंटर करना है। और इसके बाद में अब आपको यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है, इंश्योर करना है कि ये जो मोबाइल नंबर है आपके आयुष्मान कार्ड से या फिर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है और वेरीफाई के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन मोड के सेक्शन में मोबाइल ओटीपी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर के आ चुका है। यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर यूआईडी की तरफ से एक ओटीपी सेंड किया गया है जो कि आप यहाँ पर फिल करोगे। और अगेन एक बार फिर से कैप्चा कोड आता है, इतना ज्यादा सिक्योरिटी इस बार कर दी गई मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन फिर से आपको ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये जैसा भी है सेम इस बॉक्स के अंदर आपको फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने सेम कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर स्कीम के सेक्शन में आना है, यहाँ पर PMJAY वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट रहने देना है। अगर आप किसी दूसरे स्कीम के अंदर बेनिफिशियरी हो तो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी लोगों को अपनी जो स्टेट है यहाँ पर सिलेक्शन करना है, तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हैं, हमने सिलेक्शन किया। सब स्कीम के सेक्शन में फिर से आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे फिर से आपको PMJAY, इसी के साथ में आज की डेट में कई सारी अन्य योजनाएं हैं जैसे कि आप देखोगे कि आशा आंगनवाड़ी वर्कर है या फिर श्रमिक कार्ड धारक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंदर अगर कोई बेनिफिशियरी है, पीएम जनमन योजना के अंदर कोई बेनिफिशियरी है तो वो भी यहाँ पर कार्ड को बना सकता है, डाउनलोड कर सकता है। तो हम यहाँ पर जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर बेनिफिशियरी हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सभी को डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आना है, यहाँ पर अब आप अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है इस लिस्ट से चूज कर लोगे। देन आप सभी के सामने सर्च बाय का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब सर्च बाय के सेक्शन में पहले जहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते थे, क्योंकि इस पोर्टल पर कई सारे लोगों ने मिसयूज करके गलत लोगों का कार्ड बनाए हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफी सिक्योरिटी कर दी है। तो यहाँ पर हमने अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज कर दिया है, जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया इस कैप्चा कोड को कैपिटल स्मॉल जैसा भी है सेम दर्ज करना है। देन आप सभी को यहाँ पर सर्च के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सर्च के आइकन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार नंबर के जरिए हमारी फैमिली की जो फैमिली आईडी है वो यहाँ पर फिच होकर के आ चुकी है। इसके अंदर जितने भी हमारे परिवार के सदस्य है उनके भी नाम आ चुके हैं। बाकी की डिटेल जैसे कि आप देखोगे कि सोर्स क्या है, किस बिहाव पर आपका कार्ड बनाया गया है, एड्रेस क्या है, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दिखाई गई है। अब यहाँ पर कार्ड को डाउनलोड करने का जो तरीका है वो पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है। कैसे डाउनलोड करना है आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर परिवार के जो भी सदस्यों के नाम दिखाए गए हैं जिसका भी कार्ड आपको डाउनलोड करना है, उसके नेम के आगे यहाँ पर जो एक्शन के सेक्शन में डाउनलोड बटन दिखाया गया है इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देन आप सभी के सामने वेरिफिकेशन पेज आएगा जहाँ पर कुछ इस तरीके से वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कंसर्न पेज आएगा, यहाँ पर यस करना है और अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आधार ओटीपी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में बेनिफिशियरी आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी के सामने जो यूआईडीए की तरफ से आधार की तरफ से जो ओटीपी आएगा वो फिल करना है। इसी के साथ में एक मोबाइल फोन पर भी ओटीपी आएगा, जो मोबाइल नंबर आप अभी यूज कर रहे हो तो यहाँ पर वो भी ओटीपी आपको दर्ज करना होगा। तो मैंने दोनों ही ओटीपी फिल कर दिए हैं, ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करने का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। परिवार के जितने भी फैमिली मेंबर हैं जिनके कार्ड पहले से जनरेट है उनके नाम यहाँ पर दिखाए गए हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है, पहले अगर आप इतना प्रोसेस फॉलो करते थे तो आपका जो कार्ड है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाता था, आप ही का नहीं परिवार के जितने भी सदस्य थे यहाँ पर उन सभी का जो कार्ड है डाउनलोड कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर अब आप देखोगे कि इसके अंदर भी एक सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। किसी का भी कार्ड अगर आपको डाउनलोड करना है तो अब आपको आइकन पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आइकन पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फिर से हमें ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। जहां पर पहले क्या हो रहा था कि परिवार के जितने भी सदस्य थे उनमें से कोई भी एक सदस्य जितने भी परिवार के लोग हैं उनके कार्ड डाउनलोड कर पाता था, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें क्या मिसयूज हो सकता है कि फिर से गवर्नमेंट ने एक सिक्योरिटी यहाँ पर लगा दी है। अब यहाँ पर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए इनके जरिए ही आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा, यानी कि इनके आधार पर एक ओटीपी जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि परिवार के अगर 6 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं
तो वहां पर कोई भी परिवार का एक बंदा ऑथेंटिकेशन कर सकता था, उसके बाद में परिवार के जितने भी कार्ड बने हुए हैं वो डाउनलोड कर पाता था। लेकिन अभी क्या है, इतना हाई सिक्योरिटी इसके अंदर कर दी गई है, आप देखोगे कि यहाँ पर फिर से वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आधार ओटीपी वाला ही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंसेंट पेज आएगा, यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो अब आप देखोगे कि आपके मोबाइल फोन पर जो आधार से लिंक है उस पे ओटीपी गया है, मोबाइल नंबर जो भी आप यूज कर रहे हो उस समय उस पे भी एक ओटीपी गया है, दोनों ओटीपी यहाँ पर आप फिल करोगे तो अब आप देखोगे कि आपका जो कार्ड है वो यहाँ पर प्रीव्यू बन के आ चुका है। यहाँ पर इस कार्ड को आप डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका जो कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। इसको आप अपने पास में प्रिंट करके लेमिनेट करके रख सकते हो, इसके जरिए आप कहीं पर भी 5 लाख